काफ़ी टाइम से ना मैं पिंट्रस्ट पे ऐसी फोटोज़ कुछ देखता था लोगों की और सोचता था यार ये वाली फ़ोटो कैसे आती है, ये जो फॉग आता है फोटो में ये कैसे आ सकता है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, मैंने अगरबत्ती के साथ भी फ़ोटो शूट किया, मैंने धुएं के साथ शूट कर लिया रूम में लगा के, पर बात नहीं बन रही थी। फाइनली मैंने जो है पैसे वैसे जोड़ के ये फॉग मशीन खरीदी एंड इसका इफेक्ट तो आपने देख ही लिया। लेट मी शो यू। अरे हक दिया। वैसे मंगवा तो एक महीने पहले ली थी लेकिन अभी तक इसका हमने यूज़ नहीं किया, ना ही इसमें कोई शूट किया। तो आज हम यूज़ करने वाले हैं इसका अपने फोटो शूट में और बहुत ही क्रेजी कुछ ऐसे सिनेमैटिक फोटोज़ क्लिक करने वाले हैं। मेरे माइंड में बहुत पहले से एक ड्रीम शॉट होता ना वो था, तो आज वो ड्रीम शॉट हम पूरा करने वाले हैं। आज हम वो सारे शॉट लेने वाले हैं, तो एक बार आपको दिखाता हूँ टेस्ट करके इसको। यस, जस्ट बटन दबाओ और स्मोक आ गया। पहले कितनी मेहनत थी यार, वो अगरबत्ती लगाओ फिर दो घंटे वेट करो उसका। तो आज का शूट ना मेरे लिए बहुत एक्सपेरिमेंटल होने वाला है, मतलब मैंने कभी फॉग मशीन का यूज़ नहीं किया और मुझे पता नहीं कैसे इसको लाइटिंग वगैरह करते हैं, तो मैं खुद सीखने वाला हूँ आज इससे कि मैं कैसे फॉग मशीन का यूज़ करके लाइटिंग करके फोटोज़ क्लिक करूँगा। मेरे साथ साथ आप भी सीख सकते हैं इस वीडियो में। तो बहुत इंटरेस्टिंग फोटो शूट होने वाला है। मेरे साथ है हिमांशु खुराना जो कि कैमरे पीछे छुप रहा है, और गियर यूज़ करने वाले हैं अपना कैनन R5 विद 85 सिग्मा, बाकी लेंसेज वगैरह सारे यूज़ करेंगे, वाइड एंगल कुछ क्लिक करेंगे। यार ये है भाई कैनन का R6 मार्क टू भाई, तो आज मैं ये भी यूज़ कर लूँगा, है ना। हमने यूज़ एक बार अच्छा इसमें का कौन सा फोटो में लिए? अच्छा वो तो हो गया, नहीं मैं ये देखता हूँ ये वाला डायल लिया ना इसमें। अच्छा ये है ओ, मतलब वो तो नहीं आया जो मैं चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ तो आ रहा है, कुछ तो आ रहा है। ओके अब हमारे पास जो नेक्स्ट आइडिया है उसके लिए हमें स्मोक मशीन यूज़ करनी पड़ेगी। एंड फाइनली गाइस द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, स्मोक मशीन। यार ये ना मिट्टी के तेल वाली स्मेल आ रही है इससे भाई, फिर इसमें देखो डाल के मस्ती दिल्ली। ठीक है तो भाई देखो जब ये पूरा होता है इस पे ऐसे रेड कलर की लाइट जल जाती है, और अब मैं जस्ट बटन दबाऊंगा और यहाँ पे स्मोक ही स्मोक फैल जाएगा। भाई भाई क्लियर अभी ना, ये ऐसी आ गया, ये जस्ट वाइड एंगल से आ रहा है पैच है ना, क्योंकि इस वाली लाइट के हल्के हम थोड़े से पैच दिख रहा था। तो कुछ अगर हम यहाँ पे 85 1.4 से क्लिक करेंगे क्या ही आएगा। कैसे लो भाई थोड़ा अपना फेस अप पकड़ना, नहीं मैं थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में रहता हूँ, मतलब मैं तो क्या चाह रहा हूँ पूरे फेस पर अंधेरा हो, बस एक आंख ऐसे ये इतनी लगे, सिर्फ एक आंख दिखे मेरी एक चीज मेरे माइंड में वो आ रही भाई, तुम्हारी फ्लैश लाइट में वो करते हैं बिल्कुल ऐसे पतली सी लाइन बना के करा लो, चलो कत्ता लगा के ना मेरे ख्याल से सही बन जाएगा वो।
और फ्लैश लाइट को फिर सेट करना पड़ेगा ना इस पे सेट करना डायरेक्ट मारोगे ऐसे हाँ डायरेक्ट नहीं ऐसे लगा कैमरा के ऊपर लगा डायरेक्टली स्टे कर दे हाँ एक बार हाँ एक बार पूरा अंधेरा कर देंगे और फिर तुम्हारी स्पेंड कर देंगे फोकस कर लेंगे इतनी तो उजाला है इतना खैर है लेट्स ट्राई अगेन बैठ के फोटो मैं भूल गया था ना ये फ्लैश अपने लाइट देती हूँ फोकस करने के लिए इस बाइक पे तेरे कैमरे होती तो कर लेंगे वरना ये वाला आइडिया बहुत तगड़ा लग रहा है मेरे को ये लाइट को हम बाहर लगाएंगे इस रूम को खोल देंगे दरवाजे को और यहाँ पे ऐसे बंदा खड़ा हो गया और पूरा रूम में स्मोक लेट्स सी फोटो कैसे आती है यहाँ आएगी एक बार लाइट कलरफुल कर देखते हैं मेरे को एक बार चुल हो रही है वाइट कर रहे हैं कर रहे हैं वाइट करना सो गाइस ये ट्राई मेरे ऊपर करते हैं हमेशा अपनी फोटो बेस्ट करके हिमांशु ट्राई आज तेरे पे ट्राई करते आजा भाई आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं स्लो मोशन कितने की आती है कितनी बड़ी चीज है मेरे को लगता है भाई बता नहीं नहीं तना नहीं मैं बता देता नहीं अरे मेरे को लगता था अरे सारे लेने के 25,000 की आती होगी एटलीस्ट क्योंकि रेंट भाई 1,000 रुपये दिन की मिलती है फिर मैंने ऑफलाइन मार्केट में जाकर देखा भाई चंडीगढ़ में कौन सी मार्केट है 35 है क्या 35 2500 रुपए की मैंने उसको बोला 2500 पक्का कर हाँ 2500 मैंने फिर ले ली भाई अच्छा चलो भाई 2500 में स्मोक बन गया चलो भाई चलो भैया जी NFB पिक्चर्स फाइनली काफ़ी टाइम बाद हमारी फोटोज आ चुकी है बहुत ही गजब की बहुत ही दिनों बाद फोटो शूट किया है और काफ़ी मज़ा आया आपको कौन सी फोटोज बेस्ट लगी कमेंट करके जरूर से बताना और ये बहुत ही यूनिक फोटोज थी मतलब हो सकता है आपको पसंद आए लेकिन मेरे को ये ट्राई करना है एक बार क्योंकि काफ़ी अलग सा कॉन्सेप्ट है एंड इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है तो बहुत ही मस्त आए एंड इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ कि हर महीने में ना एक ऐसा शूट किया जाए कि रूम के अंदर ही लाइटिंग वाइटिंग सेटअप करके और चैलेंज लेके बोलेंगे भाई रूम के अंदर क्या क्या फोटोज क्लिक की जा सकती है स्टूडियो टाइप वाली फोटो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको देखना चाहते हैं तो बाकी बेस्ट फोटो आपको कौन सी लगी वो भी बताना कमेंट करके एंड जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना एंड ये सभी फोटो इंस्टा पे पोस्ट करने वाला हूं अपने मेन NS पिक्चर्स पे तो फॉलो कर लेना उसके लिए भी एंड मैं बताऊँ आपसे ऐसी किसी कमाल की वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।